शामू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, चल जा बॉल लेकर आ, जा 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 शामू, गणेश महेश इधर आओ, शाबाश शाबाश। बात है, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ए हाथी रुक जा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी तो चले जा यहां से। बड़ा बदतमीज है यार, मैं कहता हूं चले जा यहां से, नहीं तो कीमा कर दूंगा तुम्हारा। अरे वाह, ये तो सचमुच भाग गया सिर्फ आपकी आवाज सुनकर। उसे मालूम है कि मैं कौन हूं, अब मजाल है आपकी तरह आंख उठाकर भी देख ले। इशारे में सब कुछ समझ गया, जरूर किसी शरीफ खानदान से मालूम होता है। थैंक यू। मैं आपसे जरा दूर हटी गई फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं एक आइडिया दूं? क्या आप पास ही रही है ना जी, आप दूर क्यों जाती हैं जब तक वो चला नहीं जाता? आप तो मजाक कर रहे हैं, भगाइए ना इसे। हाँ तो ये बात है, अभी भगा देते हैं। ए जंगली जानवर भाग जा यहां से, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। अरे देखिए तो सही, मीम साहब कैसे तुम उठा के भाग रहा। देखो हाँ देखो देखो, कमाल है, आप तो सचमुच के जादूगर। छोड़िए ना, आप क्यों खाम का मेरी तारीफ कर रही। अरे आपने मेरा जादू देखा नहीं है, दिखाऊं आपको? जी नहीं, इतना ही काफी है। अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रही? मैं अपनी गाड़ी में जा रही थी कि अचानक एक बॉल आके मेरे सर पे गिरा। मैं गाड़ी में से उतरी देखने के लिए, इतने में पता नहीं कहाँ से ये हाथी आ टपका और मेरा पीछा करने लगा। अरे अरे अरे, किसकी हरकत थी ये, बड़ा बदतमीज है। आपने चलिए ना, आप गाड़ी तक छोड़िए। आपकी सूरत जानी पहचानी से नहीं लगती, कुछ परदेसी से लगती है। आप बाहर से सैर करने के आई? अकेली आई है या आपके वो भी आए? डैडी आए। गुड की क्या बात? नहीं मैं मतलब कहाँ से लिया? हमारा खुद का बंगला। आपने अपना नाम क्या बताया, मैं तो भूल ही गया। अच्छा मैंने तो बताया ही नहीं। आप बता दीजिए ना। वैसे मेरा नाम तनुजा है, लोग मुझे प्यार से तनु कहते हैं। आपका नाम? अजी वैसे मेरा नाम राजकुमार है, लेकिन लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको कुछ कुछ बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यार, आज तेरी से अपनी कुछ बात बन गई। बोल कैसी लगी वो परी? इसका मतलब तू हमारे पसंदीदा तेरा। आज का खेल बड़ा शानदार रहा। चलो चले। बीच ही रास्ते में पेट्रोल खत्म। ये बात है, नौकर बेशरम बदतमीज, उतरो नीचे। ना मुझे नीचे। हाँ क्यों, गाड़ी खराब हो गई आपकी? गाड़ी नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो तुम जैसे धोखेबाज के बाद।
लगा तो मैं आ गई। अरे अरे मैंने क्या किया? अरे क्या क्या हुआ? ये चला मैं अच्छा तरीका निकाला है लड़कियों से छेड़छाड़ का। मैंने क्या किया? पहले तो अपना पालतू हाथी लगा दिया लड़की के पीछे और फिर खुद मैदान में कूद पड़े हाथी से लड़ने के लिए, ताकि लड़की ये देख के लट्टू हो जाए कि साहब कितने बड़े हीरो है। ऐसा बात कीजिए ना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? शट अप जनाब, मैंने आप जैसे हीरो बहुत देखे हैं। देखे होंगे लेकिन इसमें धक्का मारने की क्या जरूरत है? ये तो मेरी शराबत की दाद दीजिए कि मैंने ये पूछना था कि अगर आपकी गाड़ी खराब होगी थोड़ी मदद कर। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। गेट आउट ऑफ माय कार, गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, उतरो। क्या चले जाता हूँ? जयराम जी की चलो दोस्तों। इडियट, ऐसा बोलिए ना। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, चलकर धक्का दे दो पेट्रोल पंप तक। तभी नहीं, आप पहले भी काफी नाम दे चुकी हमारी खिदमत का, ये बड़ी बड़ी गालियाँ। आप बहुत हीरो को देख चुकी है ना, बुलाइए उन्हीं को, वही धक्का देंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, 5, 10, 15, 25, 50। 100, 200। अरे इतने में तो मेरे एक हाथी की खुराक भी नहीं आती। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? करेंगे, लेकिन मदद मांगने का भी तरीका होता है। कौन सा तरीका? भारतीय नारियों का तरीका। वो क्या? वो ये कि अपनी अकड़ छोड़कर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, पल्लू पकड़कर बड़ी नम्रता से कहिए, महाराज मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मंजूर है? आपको मंजूर है, हमें मंजूर है, वरना बंदा चला जयराम जी की। अच्छा बाबा, अच्छा, हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, हे महाराज इस अबला की सहायता कीजिए। हे अबला, हम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। चलो कन्या, चलो आइए बैठिए। साथियों तैयार हो जाओ धक्का मारने के लिए। ये क्या, हाथी धक्का मारेंगे? ये तो क्या, हाथी स्टीयरिंग पे बैठेंगे, आप धक्का मारेंगे? घबराइए नहीं, ये कांच की गुड़िया की तरह संभाल के ले जाएंगे आपको। अरे वो देखो, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींचे के गले यार, धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। सी नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो, फूलों सी नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो, आहिस्ता आहिस्ता चल उसको न तकलीफ हो, हाय हाय खा न जाए, हाय हाय न जाए उसकी नाजुक कमरिया, बल चल 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 मेरे साथी, ओ
मेरे हाथी चल ले चल खटारा खींच के चल यार धक्का मार बंद है मोटर कार चल यार धक्का मार चल 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 मेरे साथी खिदमत तेरी काम दे शायद वो इनाम दे खिदमत तेरी काम दे शायद वो इनाम दे कर उस हंसी को सलाम आंखों से पैगाम दे पास आजा ओ सुन राजा पास आजा ओ सुन राजा ऐसा मौका न जाए निकल चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी चल ले चल खटारा खींच के चल यार धक्का मार बंद है मोटर कार चल यार धक्का मार चल 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 मेरे साथी यारों का यार है कितना वफादार है तू यारों का यार है कितना वफादार है झूठा है सारा जहां सच्चा तेरा प्यार है तू पगला न बदला तू पगला न बदला सारी दुनिया गई है बदल चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी चल ले चल कटारा खींच के चल यार धक्का मार बंद है मोटर कार चल यार धक्का मार रामप्रसाद जी ये मेरी इकलौती बेटी तनु जो हमेशा डैडी जिंदाबाद के नारे लगाती रहती है नमस्ते जी नमस्ते बेटी ये रामप्रसाद जी यहाँ के बहुत बड़े रईस यहाँ इनके बड़े बड़े बाग हैं चाय के कॉफी के आज शाम को इनके बेटे की शादी है हमें दावत देने आए देखिए बिटिया को भी जरूर लाइएगा शादी में क्यों नहीं जरूर आएंगे हम दोनों ही आएंगे तनु तो मेरी छाया है मैं इसका साया हूँ अच्छा नमस्ते अच्छा जी नमस्ते डैडी हाँ बेटा एक बात पूछूं पूछो बेटा कल यहाँ शादी थी हमारे माली की बेटी की वो बेचारा खुद आया हाथ जोड़े पांव पड़ा लेकिन आप अपने माली के लिए चार कदम भी चलकर नहीं जा सके और आज इन बेगानों के लिए आप मीलों दूर जाने को तैयार हो गए हाँ बेटी माली हमारा नौकर है और हमेशा नौकर रहेगा लेकिन सेठ राम प्रसाद मेरे बराबर के हैं कल मेरे वाकिफ थे आज मेरे दोस्त हैं कल मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं अब मालूम हुआ फर्क मालूम तो हो गया लेकिन मुझे पसंद नहीं आप पसंद की बात छोड़ो
शाम को शादी में जाने के लिए तैयार रहना। मैं क्लब जा रहा हूँ। ओके डैडी। बाय बाय। हाँ समझता हूँ आज तुम्हें पूरा खाना नहीं मिला, पर मैं क्या करूँ, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। आज इन लोगों के लिए इतनी कम खुराक क्यों? बच्ची काका, ये हाथी और चिड़िया के बच्चे नहीं, जाओ और खाना लेके आओ। क्यों? पर बेटा लाऊं कहाँ से? मुनीर जी ने जितना राशन ला के दिया पका के खिला दिया। मुनीर जी? हाँ। कहाँ है मुनीर जी? अंदर। मुनीम जी, क्या बात है राजू बेटे? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हाथियों का राशन क्यों कम किया गया? वो बेजुबान है, बोल नहीं सकते इसलिए। जाइए तिजोरी खोलिए, पैसे निकालिए और बंसी कागज दीजिए। कौन सी तिजोरी? सबकी सब खाली पड़ी है। खाली पड़ी है? क्या मतलब? हाँ बेटा, तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं। तुम्हारी दौलत के लिए, तुम्हारी जायदाद के लिए मुकदमे कर रखे हैं तुम्हारे रिश्तेदार। आमदनियां सब बंद हो गई हैं और खर्च सब जारी है। जब तक मुकदमों का फैसला नहीं होता, हम बैंक से भी कुछ नहीं निकाल सकते। घर में जो कुछ था, आधा मुकदमे खा गए, आधा वो हाथी। आज थोड़ा बहुत राशन जो वो खा रहे हैं, मैं अपनी जेब से खरीद कर लाया हूँ। अपनी जेब से? हाँ। अपनी जेब से क्यों? जिनसे हम हमेशा खरीदते थे, उन्होंने खाता ही बंद कर दिया है। कहते हैं पहले पुराना हिसाब चुकाओ, फिर नया शुरू करेंगे। तो आप सेठ जमनादास जी क्या क्यों नहीं गए? गया था बेटा, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या कहा? 50,000 रुपया और? राजकुमार जी, मैं तो पिछले पैसों का तकाजा करने वाला था आपसे। तकाजे की जरूरत नहीं सेठ जी, आपके सामने मेरे बाप दादा की लाखों की जायदाद खड़ी। जी हाँ, इस लाखों की जायदाद पर इतने बड़े मुकदमे भी तो खड़े हैं, और फिर आपके नाम पर सिर्फ एक ही मकान तो है, और उस पर मैं पहले ही 3 लाख दे चुका हूँ। क्षमा कीजिए, अब और नहीं दे सकूंगा। सेठ जी, मुझे सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है। अगले महीने जब मुकदमे का फैसला हो जाएगा, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा, आपके मुंह मांगे सूद के साथ। मुंह मांगे सूद के साथ? जी। राजकुमार जी, साहूकार हमेशा सूद की छुरी से मरता है, आप भी मार दीजिए। आज के लिए पहले इस पर दस्तखत कर दीजिए। ये लीजिए राजकुमार जी। मुनीम जी। जी। ये लीजिए रुपया, पहले बाजार का कर्ज चुकाइए और बाकी के पैसे अपने पास रख लीजिए। अच्छा जी। एक बात याद रखिए, उन हाथियों में भी जान है और उन्हें भूखा नहीं मरना चाहिए। बहुत अच्छा जी। राजकुमार जी, सुना है अपने शहर में हाथियों की दौड़ हो रही है, आपके हाथी भी दौड़ेंगे क्या? कैसी बातें करते हैं सेठ जी, हमारे शहर में हाथियों की दौड़ हो और हमारे हाथी ना भागे, ऐसा कभी हो सकता? सुनिए साहबान, सुनिए, हाथियों की रेस अब शुरू होने वाली है। इस रेस में जीतने वाले हाथी को बेंगलोर के मशहूर बिजनेसमैन और आज के हमारे खास मेहमान सेठ श्री रतन लाल की सुपुत्री कुमारी तनु चांदी का कप इनाम देंगी। देखो राम, हमें नाक नहीं कटवा देना। हाँ, अगर अव्वल नहीं आता हम तुमसे बात नहीं करेंगे, समझे? शाबाश, शाबाश। आपका सुल्तान खूब तैयारी में साहब, ये दौड़ में सबके चिथड़े उड़ा देगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसे मालूम है इसका मालिक, इनाम भी देता है तो दिल खोल कर, सजा भी देता है तो दिल खोल कर। Come on, number one! Come on!
की रेस में अव्वल आने वाले हाथी का नाम है रामू। हाथी के मालिक श्री राजकुमार से विनती है कि वो स्टेज पे आए और इनाम स्वीकार करें। राजकुमार, मैं हूँ सावन कुमार, बॉम्बे कार्निवल का मालिक। मेरे हाथी ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया था, लेकिन आपके हाथी ने पछाड़ दिया। बहुत शानदार जानवर पाला है, कांग्रेचुलेशन। Congratulations, young man. I must shake hands with you. Thank you. Bitti, cup de do. Congratulations. कैसी हैं आप? अच्छी। ये मेरे डैडी हैं। बेटी, तुमने जानती पहले से? हाँ डैडी, मैंने आपको किस्सा सुनाया था ना, जब मेरी गाड़ी पेट्रोल के बगैर बंद हो गई थी। हाँ। इन्हीं के हाथियों ने मुझे मदद की थी। ओ रियली, थैंक यू वेरी मच। भैया आज तो तुमने कमाल कर। अरे मैंने कहा, ये तो मेरे हाथियों का कमाल है। बेटे कभी घर पे आओ ना। जी हाँ, जरूर आऊंगा एक दिन। नाइस बॉय। जीत का इनाम था चांदी का तप एक परी के हाथों से, मगर हार का इनाम ये आपने क्या किया मालिक? हाथी को मार डाला, अब हमारे कार्निवल का क्या होगा? तुम बुद्धू के बुद्धू रहे, हमारे कार्निवल में उससे भी शानदार हाथी आएगा जिसने आज रेस जीती। कौन सा हाथी? वो रामू। हाँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं था जाके दुश्मन से हाथ मिलाऊं और उसे मुबारकबाद दूं। लेकिन राजकुमार बेचेगा हाथी को? राजकुमार नहीं बेचेगा, उसका मुनीम बिकवाएगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। नमस्ते। नमस्ते वेदाराम जी, आइए आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहिए क्या हुक्म है? वेदाराम जी, आपसे एक बहुत जरूरी काम है। फरमाइए। आज जो हाथी रेस में जीता है ना, हम उसे खरीदना चाहते हैं, और सिर्फ आप ही उसे दिलवा सकते हैं। रामू को? हाँ। नहीं साहब, नहीं, वो किसी कीमत पे नहीं मिल सकता, वो तो मेरे मालिक की जान है। तो ये समझ लीजिए मैं आपके मालिक की जान ही मांग रहा हूँ। बोलिए क्या कीमत होगी? अब मैं क्या बताऊं, ये बड़ी मुश्किल का काम है। आपकी मुश्किल मैं आसान किया देता हूँ। ये लीजिए 2000। 2000? और जब आप मुझे हाथी दिला देंगे तो मैं आपको 5000 और दूंगा। 5000? हाँ, ये हाथी कीमत नहीं है, ये आपका इनाम है। ये एक हाथी का इनाम है? हाँ, अगर ये कम है तो मैं 10000 कर दूंगा। 10000? हाँ, 10000। तो मैं आपको 4 के 4 दिलवाने की कोशिश करूँ? ये बात ही मेरा राम जी, ये बात हुई। शाबाश। मेरे हाथियों की राम का तब से ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कि इतने एहसान काफी ना थे, इन्होंने एक एहसान और कर दिया। वो क्या? पहले तुमसे मुलाकात और उसके बाद तुम्हारे हाथों से इनाम चांदी का कप। तुम्हें कभी कोई इनाम पढ़ाई में खेलकूद में मिला या बिल्कुल जीरो की जीरो रही हो? बताऊंगी तो विश्वास नहीं करोगे। बताओ, कर लूंगा। करोगे तो सुनो, स्कूल में लगातार 3 साल मैं रनिंग रेस में फर्स्ट आई हूँ। बंडल। सच कह रही हूँ। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। उस वक्त मैं होता ना तो चांदी का कप ना सही, कम से कम चाय का कप जरूर देता। तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। कैसे? जब मैं स्कूल में थी तब तुम्हारी उम्र क्या होगी? तब मेरी उम्र इतनी इतनी सी इतनी, तब तुम भी तो इतने से ही लड़के होते, हाफ पैंट पहने हुए। अरे हाँ, और लड़का भी कैसे, बिल्कुल गोल मोल मोटू राम था, लेकिन भागने में तुमसे ज्यादा तेज था। तो फिर लगी शर्त? लगी। जीतूंगी तो क्या इनाम दोगी? इनाम? अरे इनाम, अगर तुम जीतोगी तो इनाम, अगर तुम जीतोगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना, और मैं जीतूंगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शादी? शादी मंजूर है।
कैसे करता है ये दिल धक 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 कल 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 वो कैसे बहती है नदियाँ छल 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 मेरे मन में मची है छल खन 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 तेरा कंगना खन के छन 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 प्यार में डोले मेरा तन मन तन मन तन मन तन मन सुन 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 मेरे पायल पाजे छन 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 मैं प्यार की छेड़ू धुन बेटी से प्यार किया और प्यार करना कोई पाप नहीं मैं उसे शादी करना चाहता हूं शादी करना कोई जुर्म नहीं आप ये सोच रहे होंगे मैं कितना मुंह फट आदमी हूं लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप मेरा सीना चीर कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं मुंह फटी नहीं दिल फटी हूं अब आप फट से ये बताइए कि आपको मेरा ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं क्यों बेटा कैसी रही बस राजू सेठ जी के सामने इसी तरह जाकर शुरू हो जाना और वो फट से अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे और कहेंगे बच्चों भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे बाबा राजू गुड लक आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है कि आपके मुकदमे की आखिरी पेशी है आज आप आ रहे हैं ना अदालत में जी नहीं बिल्कुल नहीं आज मैं एक और अदालत में जा रहा हूँ और अदालत में जी हाँ
वो अदालत आपकी अदालत से भी बहुत बड़ी, जहाँ मेरी जायदाद का नहीं मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला आज। ओह आई सी, खैर आप मुनीर जी को ताकीद कर दीजिएगा कि वो गवाही देने जरूर आवे। आप तो जानते हैं उन्हीं के बयान पे हमारे मुकदमे का दारोमदार है। जी हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर भेज देंगे। नमस्ते मुनीर जी। मैंने सब कुछ सुन लिया है बेटे, तुम फिक्र मत करो, अब मैं सीधा कचहरी जा रहा हूँ। मुनीर जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटे, ये तो मेरा फर्ज है। अरे राजू बेटे, ये क्या बात कर रहा था टेलीफोन पे, जिंदगी फैसला। बंसी काका थोड़ा सा सब्र रखो, वापस आने के बाद ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी हो जाएगी? तुम आ गए राजू? बिल्कुल आ गया। तुम्हारे डैडी बुलाओ उनको। अभी बुलाती हूँ। डैडी डैडी। क्या बात है बेटे? राजकुमार साहब आ गया डैडी। आ गए? हाँ। अच्छा चलो बिठाओ, अभी आता हूँ। पधारिए महाराज। चलो तुम्हारे घर में आईना है। आईना? आईना? हाँ हाँ आईना। किस लिए? रिहर्सल करनी है। रिहर्सल? सेठ रतनलाल जी। What? मैं आपकी बेटी से प्यार। आइए आइए राजकुमार साहब, आइए आइए। बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे घर तशरीफ लाए। बैठिए। भाई लड़की ने मुझसे जिक्र किया था कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। बैठिए ना। हाँ जी, अब बताइए क्या बात करना चाहते हैं? ये बात ये कि वो अरे ये सर्दी में आपके पसीने को छूट रहे हैं जी। पसीना? नहीं तो पसीना कहाँ। बात ये है डैडी कि ये बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए आए हैं ना, इसीलिए। करेक्ट। लेकिन ये तो यूं हाँप रहे हैं जैसे खुद भाग के आए। वो गाड़ी इसी तरह चलाते हैं डैडी, गाड़ी रास्ते पे दौड़ती और ये गाड़ी में दौड़ती। एक ग्लास पानी पी सकता हूँ? हाँ हाँ पियो पियो। अब बताइए कि माजरा क्या है? माजरा? एक ग्लास और पी सकता हूँ? आप इतनी दूर से आए हैं, बैठिए कुछ चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। जी चाय वाय तो पीते रहेंगे, अगर गुस्ताखी ना हो तो एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए पूछिए। आप अपनी शादी के बाद खुद करने गए थे? क्या मतलब? हाँ जी मेरा मतलब है कि आप अपनी शादी के बाद खुद करने गए थे। मेरा क्या है, मैंने तो एक दिन फैसला किया और पहुंच गया सीधा ससुर जी के घर। वहां जाते ही मैंने कहा कि सुनिए मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूं और प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं और शादी करना कोई पाप नहीं है। उसके बाद मैं शेर की तरह गरजा और मैंने कहा कि बोलिए आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे या नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो भीगी बिल्ली की तरफ बैठ गए और कहा कि हाँ करेंगे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ, करेंगे या नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, हमने तुम्हें बनाने की कोशिश की और तुमने हमें बना दिया। अरे दरअसल उस दिन मेरी भी ये हालत थी जो आज तुम्हारी है। अच्छा? अरे उस दिन हाथियों की दौड़ में हम तुम दोनों की कहानी समझ गए। सच? पारने वाले कयामत की नजर रखते हैं। अरे दाद देते हैं आपकी नजर की डैडी, वाह वाह क्या बात। दाद नजर की ना दो, दाद तो मेरी जानकारी की। हमने ये भी मालूम कर लिया है कि तुम एक अमीर घराने और हमारी बराबरी की हो। बेटे दरअसल मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जैसे लड़के की तलाश थी। मंजूर? बोलिए ना डैडी। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा दादी। बंसी काका, ओ बंसी काका, मैं तुम्हें कहा था ना कि वापिस आकर एक खुशखबरी सुनाऊंगा। चलो मिठाई खाओ। लेकिन बेटे पहले खुशखबरी तो सुना। सुनाऊं? देखो काका, तुम कहा करते थे ना कि ये घर जो है बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। लेकिन बहुत सुना कहा करता था? कहा करते थे? इसे मैंने सोच दिया है कि मैं शादी करूं। लड़की पसंद कर ली है, शादी करूं। तुम शादी करे? लेकिन बेटे ये तो बताओ कि लड़की कौन है, कैसी है? काका लड़की बर्फी का टुकड़ा, गोरी गोरी मीठी मीठी, ये लो खाओ। अरे वकील साहब आइए आइए आइए, आप भी मिठाई खाइए। आइए ना। राजू हम मुकदमा हार चुके हैं। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ
राजू, ये खानदानी झगड़े होते ही ऐसे, इनमें राज खत्म हो जाते हैं, ताए लुट जाते हैं। मुझे नहायत ही अफसोस है कि मैं आपकी जायदाद बचा ना सका। आपके दुश्मनों ने आपके मुंशी को खरीद लिया और हम जीती हुई बाजी हार गए। राजू बेटे, ये सब क्या हो गया? हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है? एक हाथ से खुशी देते हो और दूसरे हाथ से छीन लेते हो। राजकुमार मुकदमा हारे मेरी झूठी गवाही पे। ओ जी, अब उनके पास पैसे हैं नहीं सेठ जमनादास का कर्ज चुकाने के लिए। साहूकार अब दबाव डालेगा और कर्जदार को हाथी बेचने ही पड़ेंगे। राजकुमार जी, ये तो वही बात हुई कि बिजली गिरी मुर्शिदाबाद में और घर जला मुरादाबाद में। अरे मुकदमा हारे हो तुम और बर्बाद हो गया मैं। आपको क्या हुआ जमनादास जी? मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं आपका कर्जदार हूँ। मैं आपके एक एक पाई चुका दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, वक्त। यही तो बात है, साहूकार के पास सब कुछ होता है पर वक्त नहीं होता। और भाई, तुम्हें वक्त मिल भी जाए तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा तो सारा किस्सा खत्म हो गया इस मुकदमे के साथ। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। आप? जी हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये रहा 1.5 लाख रुपया। ये पैसे किस बात के? आपके हाथियों के लिए। मतलब? मैं सोच रहा था कि आप इस हालत में इन हाथियों कैसे रखेंगे। बेहतर है मेरे हाथ बेच दें। बेच दो? राजकुमार, राजकुमार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे इस सुनहरी मौके को हाथ से मत जाने दो। मान लो ऊपर वाला खुद छप्पर फाड़ कर तुम्हारी मदद के लिए आ गया है, इससे 1.5 लाख रुपया लेकर मुझे दे दो। बाकी के लिए मैं तुम्हें कुछ और वक्त दे दूंगा। जाओ राजू, जाओ ले लो जाके। रुपया और चले जाओ यहां से। देख क्या रहे? अजब ना शुक्रिया आदमी, मेरी दोस्ती का हाथ बढ़ा उसी काट लिया। आई से गेट आउट। राजकुमार, तुम्हारा तो सर फिर गया है। अरे 1.5 लाख रुपए को लात मार दी। तुम्हें इससे बड़ा दूसरा और कोई पागल नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रुपया देगा। मैं कहता हूं बकवास बंद करो। ये तुम्हारे लिए जानवर होंगे, लेकिन मेरे लिए इंसानों से भी बढ़कर मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं इनके खातिर खुद बिक सकता हूं, लेकिन इन्हें नहीं बेच सकता। एक बात याद रखिए सेठ जी, आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। कहने वालों ने सच कहा है, हारा हुआ जवारी और बिगड़ा हुआ रईस बहुत खतरनाक होता है। बस बहुत हुआ सेठ, तुम भी जा सकते हो यहां से। हाँ हाँ जाता हूं, लेकिन याद रखो मैं कचहरी से इस मकान की डिग्री लेकर बहुत जल्द लौटूंगा। और जिस तरह आज तुम मुझे यहां से निकाल रहे हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस मकान से निकाल कर बाहर फेंकूंगा। तुम्हें कचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं, आज से यह घर तुम्हारा है। अरे तुम रो रहे हो, ये देख कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या सलूक करता है। तुम्हें मालूम नहीं यार, इस दुनिया में दो टांग वाला जानवर सबसे खतरनाक जानवर है। चलो, ना तो यहां पर तुम्हारी जगह है ना मेरी। अच्छा काका, चलता हूं। बेटे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। काका, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, खानदान है, उन्हें छोड़कर कहां भटकते रहोगे मेरे साथ? ऐसा करो, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना, एहसान करोगे ना मुझ पर? बोलो। अच्छा बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम पे बोझ बनना नहीं चाहता। राजू,
अरे सुना आपने, उस हाथी वाले राजकुमार का क्या हुआ? क्या हुआ? राजकुमार ने कर्ज लिया था ना जमुना दास से, जमुना दास ने आज उसके घर पे कब्जा कर लिया, उसे और उसके हाथियों को घर से बाहर निकाल दिया। अरे आजकल राजे रजवाड़े हाथी नहीं पाल सकते, वो किस खेत की मूली था? कहाँ जा रहे जी? तनु से बात कर ले। क्या रह गया कहने के लिए? सारा मामला तो शीशे की तरह साफ है। राजू मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। क्या बचा तुम्हारे पास तनु को देने के लिए? न घर, न जायदाद, न दौलत, न दर्जा। तुम तो अपनी जिंदगी गुजार लोगे आसमान की छत के नीचे, गलियों में, बाजारों में, लेकिन मेरी बेटी नहीं गुजार सकेगी। यही सोचकर तो आया था तनु से मिलने। उसे कहने आया था कि वो मुझे भूल जाए। तनु तुम्हें भूल जाएगी, उसे मिलने और कहने की कोई जरूरत नहीं। अपने बाप के रुतबे को जानती है और किसी कीमत पर भी उसे बाहर कूड़े के ढेर में नहीं फेंक सकती, ना अपने दिल के लिए ना तुम्हारे प्यार के लिए। ठीक है मैं चलता हूं, लेकिन तनु से इतना जरूर कह दीजिएगा जाने से पहले मुझसे मिलने आया था। नमस्ते। चलो यार। हेलो डैडी। कहाँ जा रही हो बेटी? राजू से मिलने। सुनो बेटी, अब राजू तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हुआ डैडी? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ बेटी। राजू अपना घर बार बेचकर चोरों की तरह शहर छोड़कर चला गया। चला गया? लेकिन कहाँ? सुना है बंबई गया। वहां के बहुत बड़े मिल ओनर सेठ चंदनमल की इकलौती बेटी के साथ शादी कर ली। नहीं नहीं डैडी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता डैडी। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, उसने मुझे शादी का वचन दिया है डैडी। बेटे, शादी का वचन रुपए की आंधी के सामने क्या चीज है? राजू को ये तो मालूम है कि मैं अमीर हूं, लेकिन सेठ चंदनमल की तरह जहेज में मिले नहीं दे सकता। शायद इसीलिए तुम्हें ठुकरा कर चला गया है। बेहतरी इसी में है कि तुम भी उसे भूल जाओ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ना ऐसे आदमी के लिए आंसू ना बहाओ, वो इन मोतियों का हकदार नहीं। मुझे मालूम था कि तुम यहां नहीं रह सकोगे, यहां हमेशा तुम्हें उसकी याद सताती रहे। बेटे हम कल ही यहां से चले जाएंगे, कल ही चले जाएंगे। Thank you.
ये किसके हाथी है? साहब ये मेरे हाथी है। क्या? लेकिन इन्हें यहाँ क्यों ले आयो? क्यों, जब तक इनके रहने कोई ठिकाना नहीं हो जाता मैं इन्हें और कहाँ छोड़ सकता हूँ? दफ्तर है, कोई सर्कस का तंबू नहीं है, और देखो अगर ठीक से नौकरी करना है तो इन्हें कहीं और छोड़ा, समझे? खुद के खाने का पता नहीं और पालने चले जानवर। देखिए साहब, आपको मुझे नौकरी में नहीं रखना तो मत रखिए, लेकिन इन्हें बुरा भला मत कहिए। ये तन के काले जरूर हैं लेकिन मन के उजले हैं, और आपसे हमसे ज्यादा शरीफ है। अरे वाह, हैसियत नौकरों की और तेवर रईसों के। क्यों नहीं, आप कोई एहसान नहीं करते हैं मुझ पर, काम करता हूँ तभी तो पैसे देते हैं। Shut up! You are dismissed! क्या चाहिए? माफ करना, कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जगह चाहिए। माफ करना, कमरा कोई खाली नहीं। कमरा नहीं चाहिए, मैं यही बाहर पड़ा रहूंगा। अच्छा, पड़े रहो। साथियों, हाथी कहाँ से आ गए? ये हाथी मेरे साथी हैं। हाथी भी ठीक है भैया, साथी भी ठीक है, लेकिन धर्मशाला जो है ना, वो सेठ मंगलदास ने इंसानों के लिए बनाई है, इन जानवरों के लिए नहीं। जाओ बाबा जाओ। लेकिन इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगा, सुबह होते ही चला जाऊंगा। नहीं बाबा, ये मेरी नौकरी का सवाल है। जाओ, क्षमा करो, जाओ जाओ। शुक्र है भगवान, ये दुनिया तूने बनाई है। अगर इंसान ने बनाई होती तो शायद जानवरों के लिए कहीं जगह ही ना रहती। दोस्तों, ये भगवान की धर्मशाला है, हम यहां से कोई नहीं निकल सकता। सामान ले जाएगा, इस बड़ी गाड़ी में रख दो, चवन्नी मिलेगी। तो सामान रखवा दिया? जी सर। देखिए वो आदमी ले जा रहा है। कैसे आदमी के हाथ में सामान दे दिए, गधे सुबह सुबह पी के आ जाते। राजू, 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 ये तुम्हें क्या हो गया है? राजू तनु, डैडी ये तो राजू है। बाजार में तमाशा बनाने जरूरत नहीं, चलो उठो। डैडी चलो, राजू ड्राइवर, राजू ड्राइवर चलो, राजू की ये हालत है, और आपने मुझसे झूठ बोला कि वो बंबई गया है किसी अमीर लड़की से शादी करने। क्यों किया ऐसा धोखा मुझसे, जवाब दीजिए डैडी, क्यों? हाँ बेटी, मैंने तुमसे झूठ बोला, धोखा किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर।
मुझे मालूम हो चुका था कि राजू का घर बार धन दौलत सब कुछ जा चुका है और उसके पास सिवाय दर्दर की ठोकरों का कोई रास्ता नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी लाड और प्यार से पाली हुई बेटी उसके साथ ठोकरे खाती फिरे और फाके काटे। ये आपने अच्छा नहीं किया दादी, आपने अपने प्यार भी मेरे प्यार की बलि चढ़ा दी। मैं राजू का दुख दूर नहीं कर सकती थी, बांट तो सकती थी। मैं जा रही हूँ उसके पास। ठहरो कनु, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मेरी बेटी मेरे सामने जलती आग में कूद जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। आपको मेरा जाना मंजूर नहीं और मुझे यहाँ रहना मंजूर नहीं। कनु, आप नहीं जानते डैडी, एक औरत की जिंदगी में मोटर, बंगले, धन दौलत इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं। उसे सिर्फ एक अच्छा पति चाहिए जो उसे प्यार करे और जिसके कदमों में वो अपनी दुनिया रख दे। बेटी गरीबी तुमने देखी नहीं, मैंने देखी। अगर तुमने देखी होती तो ऐसी बातें कभी ना करती। तुम्हारी भलाई इसी मैं को तो भूल जाओ। नहीं दादी नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकती, उसके बिना जी नहीं सकती दादी। तो मैं उसे भूलना भी होगा, उसके बिना जीना भी होगा। बाप रे, इसका बदल तो एकदम आग के माफिक गर्म है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये हाथी लाया, ये तुम्हारा हाथी है क्या? अरे वंडरफुल यार, वंडरफुल। हम एक पेशेंट को देख के बाहर निकल रहा था, ये हमारा हाथ पकड़ के डर ले आया। तुमको बहुत बुखार है, चलो तुमको हॉस्पिटल में दाखिल कर देता है। डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल नहीं जा सकता। अस्पताल चले जाऊंगा, इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकता फिर तो घोटाला हो जाएगा। अच्छा ऐसा करता हूँ, वो गोली दे देता हूँ, दिन में 3 बार खा लेना, ठीक हो जाएगा। फीस में? अरे फीस गई तेल लेने, तुम कहीं को भेजेगा डाई करता है, तुम सिर्फ आराम करो आराम। मैं चलता हूँ। अरे अरे तुम कहीं को रोता है बेटा, जितना हमसे हो सका हमने कर दिया है, तुम्हारे मालिक को जल्दी ठीक है, बाकी भगवान पर भरोसा रख, भगवान पर भरोसा रख।
अरे बोलो ना। मंदिर से लाए हो? तुम लोगों ने मंदिर में जाके मेरे लिए पूजा की? रामू, रामू मैं तुम्हारे प्यार की कीमत कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं। ए बच्चे लोग, खेल देखो बंदर का, मार निकालो अंदर का। ये बंदर है मंदिर का, देखो कैसे है ये खिलाड़ी जैसे रामू श्याम की जोड़ी। बच्चों ताली बजाओ। राम और श्याम सलाम करेगा। आ जा बेटा, सलाम कर, ऊपर चढ़ जा, चढ़ के सलाम कर, सलाम कर ऊपर। अरे तेरी माँ बीमार है, जरा पानी लेके आ जा। अरे जा कुएं से जरा पानी लेके आ जा, मेरी बात मान ले राजा बेटा, मेरी बात। अच्छा तो बीबी के लिए एक बाल्टी पानी ला। देख लो भाइयों, देख लो बीबी के लिए पानी लेने जा रहा है, माँ के लिए नहीं लाया। अरे छोरू का गुलाम, बच्चा लोग देखो हमारे राम और श्याम पर देवी माँ कह जाता है। कौन है वो, कौन है जो बंदर आके आया? छोड़ दे छोड़ दे बिंद मैया, छोड़ दे कन्याकुमारी का माया जाल तोड़। अड़प टपक डुम डुम, अड़प टपक डुम डुम, कन्याकुमारी दीवानों की दुलारी है, एक ही बेचारी है। छोड़ दे छोड़ दे, एक ही बेचारी है। छोड़ दे छोड़ दे बिंद मैया, तोड़ दे कन्याकुमारी का माया जाल तोड़। अरे बालक, ये ले राम को कंधे पर बिठा और भाई बंधुओं से आना दो आना, पैसा दो पैसा, जो कुछ भी मिले इनके पेट का इंतजाम कर। दे देना, इतना अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा डांस किया, दे दो भाई, दे दो। अब अब दुकान काली, उधर मेला का मेला लगे ले। चलो चल कर देखते हैं कौन हमारा दुश्मन आ गया है। चलो जी चलो। बस बच्चा लोग, अब दूसरा कमाल देखो। वन टू थ्री। अरे वाह, पूरे 250 रुपए की कमाई है। अरे दोस्तों, आज तो ऐसी दावत खिलाऊंगा कि तुम भी याद करोगे। ये हाथी कहाँ से आ गया? मालूम नहीं सर, कब से मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है। अच्छा, जरूर कोई बात होगी। तुम ट्रैफिक संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। अच्छा
अरे छोड़ो तू, इसको ले और घर जा, मैं बाद में आता हूँ। मेरे पैसे का, मेरे पास पैसा नहीं है। बस यही मेरे पास, मैं बंदा का तमाशा दिखाने वाला गरीब मदारी हूँ। इसने हाथी का तमाशा दिखा करके मेरे धंधे का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से मेरी जान मारने के लिए हाथियों को मेरे पीछे लगा दिया। बहुत बड़ा बदमाश है। बदमाश तो ये है इंस्पेक्टर साहब, और चोर भी। अरे हाथ से पैसे छीन कर भागा, इसलिए ये हाथी इसका पीछा कर रहा है। मैंने कहा पैसा लिया, देखिए तलाशी ले लीजिए मेरी। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये रहा पैसा। ये आदमी दो नंबर का चोर है। जब ये हाथी इसका पीछे भागा तो हमारे पास ये पैसा दिया और इधर भाग के आया। ये लो और हाथी वाला साहब को दे दो। छोटे मत ले, कहीं से ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हारे हाथी बड़े समझदार है। शाबाश यार, शाबाश। ओ हाथी वाला साहब, हमने इतना बड़ा चोर को पकड़वाया, कुछ इनाम गिनाम? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। ये लो। अरे क्या साहब, हमने पैसा के लिए थोड़ी किया। अगर देना है तो छोटा मोटा नौकरी की करी दो। नौकरी करोगे? हाँ, पहले बंदर न जाता था, अभी हाथी न जाएगा, और आप तो थोड़ा थोड़ा मालिश भी कर देंगे। अच्छा क्यों साथियों, हो जाए हो जाए हो जाए। चलो हो जाए। ये वही ना बात। तनु, तनु बेटी, तनु बेटी, डैडी, आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं जा रही हूँ डैडी, अब मुझे ढूंढिएगा नहीं, ना ही मेरे पीछे आइएगा। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आप मुझे कैद कर सकते हैं, मेरे शरीर को बांध सकते हैं, मेरे दिल को जंजीरें नहीं पहना सकते। आपकी बेटी तनु। तनु, अब तो तुम्हें नाम से पुकारने का भी हक नहीं मुझे। क्यों राजू, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने सारे हक खो बैठा हूँ। मैं ठहरा एक मामूली समझदारी, लोगों के फेंके हुए तांबे के एक पैसे की भी मेरे लिए बहुत कीमत। हमारा बाप आज भी चांदी के तराजू में बिठा कर तुम्हें सोने से तोल सकता है। सोने और तांबे का क्या मूल्य? मेरे डैडी की किए की सजा मुझे न दो राजू। उन्होंने मुझे बताया कि तुम मुझे धोखा देकर चले गए हो, इसलिए कि तुम्हारी शादी किसी बड़े घराने में हो रही है और तुम्हें कारखाने मिल रहे हैं दहेज में। देख रही हो ना, ये कारखाना हमारा कितना बढ़िया है, कितना उंडा है। अरे बड़े से बड़े मिल मालिक का कारखाना भी इतना शानदार कहां से होगा? मेरा मजाक मत उड़ा राजू, मुझे सच्चाई तो सिर्फ उस दिन मालूम हुई जिस दिन मैंने तुम्हें सड़क पर देखा, सर पे बोझा उठाया। उस वक्त मुझे पता चला धोखा तुमने नहीं, मेरे डैडी ने किया। तब से एक ही धुन मेरे सर पर सवार थी, कब मैं तुमसे मिलूं और माफी मांगू। लेकिन मैं आती तो कैसे, डैडी ने मुझे घर में कैद कर रखा था। आज किसी तरह मैं घर से भाग निकली और दिन भर की तलाश के बाद तुम्हें यहाँ पाया। इस तलाश का फायदा क्या, क्या है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकूं? घर ना जायदाद, दौलत ना दर्जा, दिन भर सड़कों पर हाथियों का तमाशा दिखाता हूँ, खंडों में आग हो जाती। ये खाना बदोशों की जिंदगी तुम्हारे लिए तनु नहीं है, नहीं है। ये खाना बदोशों की जिंदगी मुझे मंजूर है, लेकिन उस नरक में वापस जाना मुझे मंजूर नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी उजड़ी हालत को देखो तनु, और इन वीरान खंडों पर नजर डालो। लोग यहाँ देखेंगे तुम्हें तो क्या कहेंगे, यही ना कि मैं जानबूझकर तुम्हें फांस लाऊं इन वीरान खंडरों में, ताकि एक दिन तुम्हारे महल पर कब्जा डाल सकूं। तो फिर तुम ही बताओ राजू,
मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तनु, मेरे हाथ पांव टूटे नहीं, मैं मेहनत करूंगा, खून पसीना एक करके कोशिश करूंगा कि एक दिन तुम्हारे और तुम्हारे डैडी के लायक बन सकूं, और जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन तुम्हारे डैडी के पास आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, उससे पहले नहीं, उससे बिना नहीं। तनु, यहां से चली जाऊं? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला भी है और सही भी। बेहतर यही है कि जिस तरह तुम आई हो उसी तरह वापस घर चली जाओ। घर? मैं तो अपना घर बहुत पीछे छोड़ आई हूँ राजू, तुम्हें नहीं मालूम वहाँ क्या क्या फैसले हो रहे हैं मेरे तकदीर के। डैडी जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, इसलिए घर से भागकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम भी मुझे ठुकरा रहे हो तो जिंदगी में मेरे लिए एक ही रास्ता रह जाता है, अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लो। तनु, तनु, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ गई। अगर तुम्हारे दिल में इतना प्यार है तो मैं सारे समाज से सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे आओ छोटे। तनु, ये मेरा जमूरा है छोटा। राजू ने ये अम्मा को नहीं दी? अब बाद में बताऊंगा, पहले जरा पेट पूजा हो जाए। मगर राजू ने हम तो खाली दो आदमी का ना चलाया, हमको क्या मालूम इधर मेहमान भी आने वाला है। छोटे, मेहमान वो होते हैं जो आ जाते हैं कल चले जाते हैं, ये तो हमारी मालिक है, ये अब कहाँ जाएगी, समझा? हाँ समझ गया, मतलब ये हमारा भाभी है। नहीं होने वाली, फिर तो हम भाभी का वास्ते स्पेशल नाश्ता लाने जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जो है सो बांट के खा लेंगे। देखा भैया, भाभी ने आते ही घर में बचत शुरू कर दिया। क्यों नहीं, जानते हो हमारे देश में क्या खराबी है? क्या खराबी है? जितना तीन को खाना चाहिए उतना दो खाते हैं, जितना दो को खाना चाहिए उतना एक खाता है। वाह वाह, आते ही लेक्चर शुरू कर दिया, लेकिन बात हमें पसंद आई, क्यों छोटे? एकदम करेक्ट है, तुम्हारी बातों से तो ऐसे लगता है कि हमारे देश में परमानेंट औरत का राज होना चाहिए। पैसे
बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती, पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती, नाम अपना न बदनाम कर कर हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए। टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए। चल कर चल राम राम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। अच्छा मेरे चाचे, जाती हूँ। जाओ जाती हूँ। आइए देखो
ये है शेरे बाबर तीन ऊपर एक नीचे। शेरे बाबर मतलब जंगल का किंग। बच्चे लोग ये है हाथी लंबा सुन वाला, ये गणेश भगवान का रूप है, जरा प्रणाम करो। ये वेरी गुड वेरी गुड। और ये है मगरमच्छ, ये जैसे जमीन पे है ना ताकत वाला, ऐसे पानी में ताकत। हेलो बच्चो, स्वामी जी क्या ये इतना ढीला क्यों, खाना गिना दिया कि नहीं दिया? भाई खाना होना इसके लिए लाया था स्वामी जी, लेकिन वो ये कबूतर खा गया। आई वो खाया तो दूसरा नहीं लाने का। लाने का खाना गिराना तुम्हारा काम है स्वामी जी। जल्दी लेगा स्वामी जी, लाया लाया सारे का पापा आया। क्या स्वामी जी बोल बोल के हाथ पिला तो क्या जमा। आ बच्चा लोग आ गया अभी दिखा था तुम बेटा। ये रिच बालू बालू, ये आदमी के दो पैरों पर भी चलता है। जरूर आना लेकिन स्कूल से भाग कर नहीं। आपने तो शहर में जानवर लाके बहुत बड़ा काम किया है, बच्चे तो जैसे फूलों की तरह खिल उठे हैं। मैं जर्नलिस्ट के नाते आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपको जानवरों से इतना प्यार कैसे हो गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आज मैं जो कुछ भी हुई नहीं की बदौलत हूँ। वैसे मैंने इनको कभी जानवर नहीं समझा, हमेशा अपना साथी समझा, यार समझा। ये समझ लीजिए ये मेरे हैं, मैं इनका। राजकुमार जी, प्यार की दुनिया बनाने में काफी पैसे तो लगे होंगे। पैसे भी लगे, कर्ज भी उठाने पड़े, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं अपनी एक छोटी सी प्यार की दुनिया के जरिए लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ, अगर यहाँ इंसान जानवर के साथ इस तरह गुल मिल के रह सकता है तो बाहर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्यों वो कभी धर्म के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर झगड़ा उठाता है और दूसरे इंसान को मारने पर तुला रहता है? क्यों, किस पे? खूब, बहुत खूब। मैं ये सब अपने अखबार में लिखूंगा और प्यार की दुनिया की तस्वीरों के साथ छापूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तनु, क्या देख रही हो? तुम्हें और तुम्हारी प्यार की दुनिया को जो तुमने अपने हाथों से बनाई, अपने हाथों से सजाई। कितनी मुश्किलें आई, कितनी आफतों ने रास्ता रोका, लेकिन तुम कहीं नहीं रुके, बढ़ते ही गए आगे और पहुंच गए अपनी मंजिल पर। तन्नो, अगर तू मेरे साथ ना होती तो इस मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जैसे तुम मेरी कामयाबी में बराबर की हिस्सेदार रही हो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का भी हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। कल ही मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजू, डैडी आप? हाँ बेटे, मैं तुम दोनों को मिलने आया। ये तो बड़ी खुशी की बात है डैडी। तनु, डैडी आए। अरे तुम खामोश क्यों खड़ी हो? शायद बेचारी सोच रही है कि बिन बुलाए मेहमान को क्या कहूं। बैठिए या जाइए। नहीं नहीं डैडी, ये तुम्हारी कुछ किस्मत ही है डैडी कि आज आपने हमारे घर में कदम रखा। बेटे मैं तो पहले ही आना चाहता था, लेकिन जब जब मैंने आने का फैसला किया मेरे झूठे गरूर ने मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी, मैं ना आ सका। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे अकेलेपन ने मुझे समझाया कि एक अमीर आदमी होने से पहले, एक बड़ा आदमी होने से पहले मैं एक बेटी का बाप हूं। ये तो सचमुच आपका बड़ापन है कि आप पहले आ गए, वरना मैं आपके पास आने वाला था आपसे पूछने क्या मैं इस लायक हूं कि आप अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में दे दें। राजू, मैंने तो ये सोचा था कि इस बुढ़े बाप को बुलाए बगैर, बताए बगैर तुमने शादी कर ली है। ऐसा कभी हो सकता? तनवर, मैंने तो फैसला किया था कि अगर हमारी शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से, आपकी मर्जी से। इसमें तो मेरी मर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझसे मेरी बेटी का हाथ नहीं मांग रहे,
बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। मैं तुम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। क्या सोच रहे? यही सोच रहा था कि तुम्हारे पिताजी के मेहमान तो खाने पर बैठ गए लेकिन हमारे साथी हमारा इंतजार कर। चले छोड़े जे। तुम फौरन जाओ और अपने सब साथियों को लेकर ऊपर आओ खाने के लिए। अच्छा जी। ओके अच्छा चले। जॉनी कमान तुम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठो, मैं दूसरे साथियों को लेके आता हूं। आओ रामू गणेश महेश आओ आओ उस तरफ। साथियों दोस्तों ये है मेरे ससुर जी श्री रतनलाल। आज की दावत इन्हीं की तरफ से, खूब पेट भर के खाइएगा, शर्माइएगा मत, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। बच्चू छोटे खाना लगाओ। अरे तू क्यों नाराज है? हाँ शाबाश बेटा।
दादी। जब हम जिंदगी के अंधेरे दूर करने के लिए चांद को उठा लाए तो फिर इस बिजली का क्या काम? हाँ क्या हुआ? ये तो राहुल की आवाज है, ना जाने उसे क्या हुआ होगा, मुझे जाना चाहिए। तुम्हें इस वक्त? लेकिन तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, और भी तो लोग हैं उसकी देखभाल के लिए। उसे नौकर है तनु, रामू उनके लिए सिर्फ एक जानवर है, मेरे लिए जान से बढ़कर है। पर मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी। तुम तो सब कुछ। अभी क्या, अभी आ जाऊंगा। क्या हो रामू को? अच्छा अचानक तबीयत खराब हो गया। रामू, हेलो रामू, क्या हुआ बेटा? लगता है शादी की दावत बड़ी दबा के खा गया, इसलिए शायद पेट खराब हो गया हो। दे छोटे डॉक्टर को बुला ले। अच्छा जी। रामू, ओ मेरे यार, क्या हो गया? समझ भी नहीं आता इसे क्या बीमारी है। बुजुर्गों ने सही कहा है डॉक्टर साहब, जानवर और छोटे बच्चे एक जैसे होते हैं, दर्द से तड़प तो सकते हैं लेकिन बतला नहीं सकते कि दर्द का। आपने ठीक ही कहा। किला? किला? कमाल है। आयो, ये तो वैसा हो गया जैसे के कौदा पार निकला चूहा। क्या है कम करेगा? वाह वाह राम, अब तो तू ठीक हो जाएगा, अब तो डॉक्टर साहब ने किला भी निकाल दिया, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, खाम खा आपको तकलीफ हुई, माफी चाहता हूँ। इसमें तकलीफ की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज है। नमस्ते। तनु, आज तो कमाल हो गया, सही रात रामू की बीमारी ढूंढते रहे, और जानती हो सुबह बीमारी क्या निकली? जनाब के पाँव में एक छोटी सी कील चुभी हुई थी, सारी रात बेचारा तड़पता रहा। सारी रात मैंने कैसे गुजारी जानते हो? तनु, तुम्हें बताओ मुझे छोड़ के कैसे आ सकता था? लेकिन मुझे छोड़कर जा सकते थे। राजू, कहते हैं सुहाग की रात सिर्फ तो शरीरों का ही नहीं तो दिलों का, तो जीवनों का संगम होता है। लेकिन मैं तनु, रो मत, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, हम आज जिंदगी के एक नए रास्ते पर पहला कदम रख रहे हैं, हमें ये कदम रोते हुए नहीं हंसते हुए उठाना चाहिए। चलो आज हम कहीं चलते हैं, दूर, बहुत दूर, चाहे तुम्हारे और मेरे सिवाय और दूसरा कोई ना हो, सिर्फ खामोश पहाड़ हों, ठंडी हवाएं हों, काली घटाएं हों। ए, अब तो हंस दो, हंस दो। ये हुई ना बात। जा आ ठंडी हवा, आहा तुम जा ए काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा तुम जा ए काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी, आ जाते जाते तू भी सुन जा, सुन जा आ ठंडी हवा, आहा तुम जा ऐ काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी, आ जाते जाते तू भी सुन जा, सुन जा आ ठंडी हवा, आहा
आज दोनों अकेले हैं सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू आज दोनों अकेले हैं सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू जो नींद आ जाए सैया के भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी आए दीवानी छुप से छुपाते तू भी सुन जा सुन जा आ ठंडी हवा करती रही तो फिर मेरे दिल का कचरा कब साफ करेगी मौका अच्छा है अपना विलन छोटा भी बाहर गया हुआ है अरे छोड़िए गंदा समझ मेरा हाथ गंदा चल बाहर चल के खुली हवा में प्यार से बातें करें ए क्या रे उधर काम भी छोड़ के आना जरा कन्या को चक्कर में फंसाना स्वामी जी नहीं मैं तो इसे ये समझा रहा था कि घर में सफाई कैसे करनी चाहिए क्यों पारो अरे चल हट बड़ा आया सफाई करने वाला ए तू यहाँ खड़े खड़े क्या थूक रहा है रे मैंने अभी सफाई की है डाय डाय हमारा शेड है तुमको पगा देना साफ करो अरे चल हट बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सब आने लगा हट क्या जी क्या कन्या क्या गरम आप बाबा
बैंगलोर में आके पहले दिन ही कार्निवल हिट रहा। जी नोटों का अलग अलग कर लो। बैठे बैठे सो गए? सोच रही थी। क्या? जानते हो 7 दिन से हम लोग बाहर नहीं निकले। बाहर जाके हमें करना भी क्या है, सारी दुनिया की रौनक तो सिमट कर इस कमरे में आ गई। जी चाहता है सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूं, सर तुम्हारी गोद में रहे और चेहरे पे पड़ी रहे तुम्हारी जुल्फों की गनेरी छाया। मुझे भी यही आकर मालूम हुआ जिंदगी वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक मर्द और औरत मिलकर उसे क्या से क्या बना सकते हैं। जिंदगी तो अब बनी गई है तन्नू, कमी है तो बस अपने जान नशीनों की। बड़े लालची हो तुम तो? क्यों, एक चीज मिली और दूसरी की मांग शुरू? मेम साहब, ये मांग नहीं, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे एक नहीं दो चाहिए। दो? एक मुझ जैसा और एक तुम जैसी गोल मोल नन्नी सी प्यारी सी गुड़िया। साफ टेलीग्राम। किसका तार है? क्या बात है राजू? छोटे का है, लिख रहा है फौरन वापस चले आओ, नहीं तो प्यार की दुनिया की खैर नहीं। क्या हुआ होगा? बस यही बात हुई था, ये कार्नी वाली अपना विलन है, जब से इस शहर में आया है लोग प्यार की दुनिया का रास्ता ही भूल गए। हाँ ना, इसका वास्ते आपको अर्जेंट टेलीग्राम दिया। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा जिससे प्यार की दुनिया में लोग वापस आ जाए? राजकुमार जी, लोगों को वापस लाना इतना आसान नहीं है। आपको मालूम नहीं कि कार्निवल में क्या क्या होता है, वहाँ जुआ भी चलता है, लड़कियों के गंदे नाच भी होते हैं। शर्मा जी, मैं प्यार की दुनिया बंद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जुआ नहीं होगा, गंदे नाच नहीं होंगे। आपके सिद्धांत बड़े ऊंचे हैं राजकुमार जी, मगर बात यह है साहब, आदमी रोज नई नई सनसनी ढूंढता है, नई नई दिलचस्पियां तलाश करता है अपनी शामें गुजारने के लिए। आपके जानवर अब पुराने हो गए हैं, अगर प्यार की दुनिया में लोगों को वापस लाना हो तो कोई नया खेल नया तमाशा सोचिए। दयाल चाचा, कौन है? मैं राजू हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। राजू? कौन राजू? मैं किसी राजू उजू को नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। मुझे पत्रकार शर्मा जी ने भेजा आपके पास, एक बहुत जरूरी बात करनी। ओ, शर्मा जी ने भेजा है, दरवाजा खुला है, चले आओ अंदर। नमस्ते चाचा। कहो क्या बात है? मैं आपसे कुछ मांगने आया। मांगने? मुझसे? मैं गरीब अपाहिज किसी को दे ही क्या सकता। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता, मैं आपसे कपड़ों में आग लगाकर पानी में कूदने का वो कमाल सीखना चाहता हूँ जिसे देखकर लोग पागल हो जाया करते थे। पागल तो मैं भी हो जाता था लोगों को देख, उनकी तालियों में वाह वाह में वो नशा होता है जो किसी शराब में नहीं होता, और उस नशे में आदमी अपने कपड़ों को आग लगाकर जब ऊंचाई से कूदता है पानी में तो लोग वाह वाह करते और कहते और ऊंचा जा, फिर और ऊंचा जाके कूदता है, लोग तालियां बजाते हैं और फिर और ऊंचा और ऊंचा, और एक दिन जब वो शोहरत की चोटी से गिरता है तब जानते हो उसका अंजाम क्या होता है बेटे। ये देखो, उस वक्त लोग मुझे सर पे बिठाते थे, कंधों पे उठाते थे, लेकिन आज मुझे शक है कि मेरी अर्थी को भी कंधा मिलेगा या नहीं। बेटे, ये खेल बहुत खतरनाक है,
आखिर तुम्हें भी वही मिलेगा जो मुझे मिला है। नाकामी, बर्बादी, मायूसी और अपनी लाश उठाने के लिए ये बैसाखियां। चाचा, मुझे ये भी मंजूर है। तुम्हें दौलत और शोहरत से इतना प्यार है? चाचा, मुझे ना शोहरत से प्यार है ना दौलत से, लेकिन कुछ जाने ऐसी हैं जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे अपना शागिर्द बना लो। बहुत अच्छा, तुम्हारे शौक ने मेरे इनकार को गुंगा बना दिया है। ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें शिक्षा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? वो ना मेरी बात मानते हैं ना किसी और की। आप ही आके समझाइए ना उन्हें, शायद आपकी बात मान जाए। तुम फिक्र ना करो बेटी, मैं कल ही आके राजू से मिलता हूं। ये क्या, जब देखो किताब पढ़ते रहते हो, बात भी तो करो। डैडी, अरे बेटी जरा आहिस्ता आहिस्ता, संभल के बेटी। नहीं बेटी, नहीं नहीं, तुमको ऐसी हालत में इतना तेज नहीं चलना चाहिए। हाँ बेटे, बहुत दिन से राजू को देखा नहीं था, सोचा जरा मिलता ही चलो। बैठिए ना। हाँ मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ जरूर ले, जरूर, लेकिन बेटी दौड़ के नहीं, जरा आहिस्ता। बेटी मेरी नादान है, ना समझ, जरा ख्याल रखा करो इसका। जितना हो सकता उतना तो रखता ही हूँ। हाँ वो तो है ही। राजू जी, क्या बोलिए? मैं तुमसे एक सलाह लेने आया था। सलाह मुझसे? हाँ दरअसल बात ये है कि कल मेरे बैंक से अकाउंट का स्टेटमेंट आया, अकाउंट का स्टेटमेंट। मैंने देखा कि मेरे पास बहुत रुपया बेकार पड़ा। मैंने सोचा कि इतना रुपया बैंक पर रखने से फायदा क्या, क्यों ना इसे किसी ऐसे बिजनेस में लगा दिया जाए जिससे दूसरे का काम भी बन जाए और मुझे भी फायदा हो जाए। क्या राय है तुम्हारी? मैं आपको क्या राय दे सकता हूँ, आप तो सारी दुनिया से वाकिफ हैं, मैं तो सिर्फ प्यार की दुनिया जानता हूँ। अरे हाँ, मैं क्यों ना अपना रुपया तुम्हारी प्यार की दुनिया में लगा दूं, मेहनत तुम्हारी, रुपया मेरा, हम दोनों पार्टनर। हाँ राजू, डैडी ठीक ही तो कह रहे हैं, लेकिन आजकल प्यार की दुनिया तो घाटे में चल रही है, आपका पैसा डूब भी तो सकता है। भाई नफा नुकसान कौन से बिजनेस में नहीं होता, आदमी सोना समझकर खरीदता है, मट्टी हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी प्यार की दुनिया जो आज घाटे में चल रही है कल रुपए की टकसाल बन जाए। बोलो कितना का चक्कर है? कितना रुपया दिलवा रही है पिताजी से? जी इसीलिए तुमने पिताजी को बुला भेजा था ना कि वो आके मुझे समझाएं, मुझे रुपया दें, ताकि मैं वो खतरनाक खेल ना खेलूं। सचिन तनु तो सुनो, मैं जिंदगी को एक जंग समझता हूं जहां इंसान को लड़ना पड़ता है अपने असूलों के लिए, अपने ख्यालों के लिए, और जंग में काम आती है सिर्फ अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपना हौसला। जो दूसरों के कंधों पे बंदूक रखकर गोली चलाते हैं वो बुज़दिल है, सिपाही नहीं। तनु, अगर मुझे कुछ दिलवाना है तो पिताजी से कहो कि अपना आशीर्वाद दे मुझे। राजू बेटे, राजू मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ। बेटे खुशी तो मुझे इस बात की है कि आज मैंने तुम में एक सच्चा इंसान देखा, भगवान तुम्हें कामयाब करे। आशीर्वाद दो चाचा। भगवान तुम्हें कामयाब करे राजू। विश यू ऑल द बेस्ट।
तनु तनु क्या बोल रहा है? तनु बेटी देख तनु मुबारक हो मिस्टर राजकुमार आपके बेटा हुआ है मार बच्चा दोनों ठीक है ना दोनों ठीक है लेकिन 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 क्या केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाने की वजह से ऑपरेशन करना पड़ा अब दूसरा बच्चा नहीं हो सकता घबराओ नहीं बेटे अरे आजकल तो देश का नारा है छोटा परिवार सुखी संसार हाँ। अरे हाँ क्या मानना चाहते हैं हाँ श्योर कितना प्यारा है ना बिल्कुल तुम जैसा चलो बेटे कैसी हो अच्छा राजू तनु मुबारक हो जितने खूबसूरत तुम हो उतना खूबसूरत तुम्हारा बेटा है तुम रो रही हो क्या हुआ डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं अब मैं तुम्हें एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया नहीं दे सकूंगी इसमें रोने की क्या बात है अरे लाखों तारे मिलकर इतनी रोशनी नहीं दे सकते जितना कि चांद अकेला दे सकता है और चांद से ज्यादा सूरज जानती हो तनु भगवान ने हमारे घर में खुद एक सूरज भेज दिया तो फिर तारों की क्या जरूरत है मैं तो इसका नाम भी रख लिया सूरज पसंद है हमारे प्यार की दुनिया में एक नया मेहमान आ रहा है राजू 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 जहां देखो जहां जाओ उसी का जिक्र है उसने हमारे कार्निवल की ऐसी की तैसी फेर दी कोई गलती से भी अंदर नहीं आता यही आलम कुछ और दिन रहा तो तंबू लपेटने पड़ेंगे दुश्मन ताकतवर हो तो अकलमंदी इसी में है कि आदमी मैदान छोड़ दे बकवास बंद करो तुम सावन कुमार को नहीं जानते चाहे मेरी सारी जिंदगी सारी दौलत क्यों ना खत्म हो जाए मैं राजू को यहां से भगाकर यही झंडे गाड़ूंगा समझे
जाने चली हवा मस्तानी, दिल पर जाने चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल पर जाने चली हवा मस्तानी, हंसते गुजरे जिंदगानी, चली हवा मस्तानी। जाने कब शाम हुई दीप गए जल, सुन मेरे प्यारे आहा, सुन मेरे प्यारे ये है तेरी मेहरबानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल पर जाने चली हवा मस्तानी। साथी क्या है बात, सारे सोए तू क्यों जागे, साथी क्या है बात, वो जंगल के राजा आजा सो जा हो गई रात, मीठे मीठे सपने ले आई निंदिया रानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल भर जानी चली हवा मस्तानी, हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी, दिल भर जानी चली हवा मस्तानी। प्यार की दुनिया, मालिक राजकुमार। नमस्ते नमस्ते बच्चों, कैसे हो? टाटा टाटा। तुम हो इसके मालिक? अरे यार जल्दी खाओ खाना, फिर हमको भी बड़ी भूख लगी है। खाओ यार खाओ। अरे तो तुम पर क्यों आए हो, मुझे तो ये बतलाओ। सीधी सादी हिंदी भाषा में लिखा है, जानवरों को छूना और खिलाना मना है, पढ़ा नहीं तुमने? भैया मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे क्या पता कि बोर्ड पर क्या लिखा है। अब हमने बोर्ड पढ़ के सुना दिया, आप समझ गए ना? क्या? अब ये हाथी के मुंह में केला डालने के बजाय अपने मुंह में डालो और चलते फिरते नजर आओ। भैया बेजुबान जानवर को केले खिलाना पुण्य का काम है। एक काम करो, ये लो चार आना,
तुम पान खाना और मैं अकेले हाथी को चार आना। मुझे तुम अगर 400 रुपया भी दो तो मैं राजू भैया का नहीं तोड़ सकता कानून, समझे? तुम यहाँ से ये चवनी लो और भागते फिरते नजर आओ। अब तो मैं ये केले खिलाऊंगा ही हाथी को, देखता हूँ तू मेरा क्या करता है। अरे खिलाएगा कैसे? ये हाथी जो भागा, ये केले में सुई डाल के हाथी को खिला रहा। जाके भी सुधरे नहीं। राजू मेरा पीछा कर रहा है। कौन राजू? तो प्यार की दुनिया वाला राजू, न जाने कौन से पुराने दुश्मन दिल में रखकर मुझे जान से मार डालना चाहता है। माई बाप बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ठीक है, उधर जाके छुप जाओ। हेलो राजकुमार, यहाँ ने कहे तकलीफ फरमाई? मैं एक बदमाश का पीछा करते हुए यहाँ पर आया हूँ, उसने मेरे हाथी को जान से मारने की कोशिश की। ओ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने उसे अपनी आंखों से आते हुए देखा। तो फिर अपने कानों से सुन भी लो, जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। वो यहीं पर है और आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मेरी याद के बगैर अंदर नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा, वो एक मुजरिम है और मुजरिम को पनाह देना खुद एक जुर्म है। मैं चाहूँ तो पुलिस को बुला सकता हूँ। जरूर बुलाइए, रोका किसने है? और जब तक पुलिस आएगी मुजरिम उनका इंतजार करेगा। आप तशरीफ ले जाते हैं या गोरखे को बुलाओ? बाहर निकला। साथ साथ बताओ, तुमने उसके हाथी को मारने की कोशिश की? जी है सरकार, मेरा बस चल तो मैं उसे भी मार डालूं। वो मेरा जानी दुश्मन है, उसने मेरे पेट पर लात मारी। हाथ दिलाओ। जी, जो राजू का दुश्मन वो मेरा दोस्त। जैसे तुम्हें राजू से बदला लेना है, मुझे भी हिसाब चुकाना है। मेरे पास दिमाग है जो सोच सकता है, तुम्हारे पास हाथ है जो चल सकते हैं। हम दोनों मिलकर बदला लेंगे। मिला बात? ये कोई बात हुई ना साहब? एक्सरे में कुछ नहीं है, मैं पहले ही जानता था बच्चे को मामूली खांसी। आप खामखा घबरा गई। इट्स नेचुरल, पहला बच्चा है ना? पहला भी है डॉक्टर, और आखिरी भी। आई एम सॉरी। ये लीजिए, ये दवा ले लीजिए केमिस्ट से, और दिन में 3 बार बच्चे को पिलाइए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप जल्दी चलिए, ये कमरे से कैसे आया है? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ बच्चे को? हाथी ने इसका सर कुचल डाला डॉक्टर। लेकिन ये तो समझ लो, बहन मेरे पाप फूट गए। इसका बाप मावत है, जब से ये पैदा हुआ है हाथियों में पला है, हाथियों के साथ खेला है। आज न जाने क्या हुआ, खेले खेलते हाथी जैसे पागल हो गया। ये बच्चे को झूठ में उठाकर जमीन पर पटक दिया। जानवर आखिर जानवर ही होता है।
आज न जाने क्या हुआ, खेल ही खेल में हाथी जैसे पागल हो गया। उसने बच्चे को सूंड में उठा के जमीन पे पटक दिया। जानवर आखिर जानवर ही होता है, जानवर ही होता है, जानवर आखिर जानवर ही होता है। क्या हुआ बीबी? कुछ नहीं, तुम चलो। दस गुड़िया ला देंगे बाजार से अपने बेटे के लिए, ऐसी क्या बात है? गुड़िया तो तुम ला सकते हो बाजार से, लेकिन मेरे लिए दूसरा बेटा कहाँ से लाओगे? ये कैसी बात कर रही है तन्ने? मेरा तो दिल कांपता है राजू, जो हाल आज इस गुड़िया का हुआ, कल मेरे बेटे का भी हो सकता है। क्या? तुम रामू को बाहर ले जाओ और जंजीर से बांध दो राजू। ये क्या कह रही हो, रामू को जंजीर से बांधू? किस लिए, क्यों? जानते हो आज मैंने अस्पताल में एक महावत का बच्चा देखा, उसकी सूरत अभी तक मेरे आंखों के सामने घूम रही है, उसकी माँ की चीख मेरा कलेजा फाड़ रही है राजू। बच्चा हाथी के साथ खेल रहा था कि अचानक हाथी ने उसे सूंड में उठाकर जमीन पे पटका और पांव के नीचे कुचल डाला राजू। मैं नहीं चाहती कि कल मेरे बच्चे की भी यही हालत हो। रामू को बांध दो राजू, रामू को बांध दो। अगर एक हाथी ने ऐसा किया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा रामू भी ऐसे करेगा। भूल गए तुम? तुमने तो कहा था कि हमारा रामू हमारे बेटे से हमसे ज्यादा प्यार करता, उससे बढ़कर उसकी देखभाल करता, कहा था कि नहीं? कुछ भी कहो, जानवर जानवर ही होता है, उसका क्या भरोसा? लेकिन मुझे पूरा भरोसा रामू का। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे सूरज को किसी भी बात का खतरा हो। उससे तुम्हें वहम हो गया तनु? नहीं राजू, नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, उसे ले जाओ और बांध दो। नहीं तनु, नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन रामू को जंजीरों में बांधना मेरे लिए ऐसा है जैसे कि मैं अपने नन्हे से बेटे को जंजीरों में बांध रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रही, मैं तो सिर्फ अपने बेटे की सलामती मांग रही हूँ राजू, जो मेरी भी जान है और तुम्हारी भी जान है। अगर तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल है, जरा भी अपने बेटे से प्यार है, तो बांध दो इसे राजू। तुम्हें मेरी जान की कसम, अपने बेटे की कसम राजू, उसे बांध दो, उसे बांध दो। तनु, तुम्हारी कसमें मेरे लिए लोहे की जंजीरों से ज्यादा सख्त है, ज्यादा जालिम है। अरे मेरे यार, तू तो रो सकता, मैं तो रो भी नहीं सकता। चल भी मेरा ख्याल है, जरा भी अपने बेटे से प्यार है, तो बांध दो इसे राजू। तुम्हें मेरे
अपनी जान की कसम, अपने बेटे की कसम राजू, उसे बांध दो, उसे बांध दो। रामू, ये जंजीर मैं तुम्हें नहीं पहना रहा हूं, अपने आप को पहना रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं पूछता हूं अब तक तुमने किया क्या? मैं कितना रुपया दे चुका हूं और तुम राजू का बाल भी भागा नहीं कर सके। नाराज मत होइए साहब, अब की मैंने ऐसी तरकीब निकाली है कि राजू का नाम और निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। क्या तरकीब है वो? सुनिए तो। पारो, आई बीबी जी, जरा इधर आ तो, इसे बाहर ले जा खेलने के लिए। जी अच्छा, अच्छा मेरे बेटे। सुन, सूरज का ख्याल रखना, रामू बाहर बंधा हुआ है, उसकी छाया तक नहीं पड़ने देना इस पर। जी अच्छा। प्यारा मुन्ना मिला, मैं अभी आई। अरे ये हार कहाँ से लाया? ये तेरे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? दिखा दिखा। अरे जमीन ला। क्यों शोर मचा रहा है? लेकिन मैं बाबा को अकेला छोड़कर आई हूँ, कहीं रामू उसे? वो रामू तो वहाँ बैठा हुआ है, तू आराम से बैठना। तुझसे कहा था ना बच्ची को दूर रखना हाथी से। मैं सच कहती हूँ बीबी जी, मेरी कोई गलती नहीं। मैं और बाबा यहाँ खेल रहे थे, उतने में ये मुआ रामू जंजीर तोड़ा के भाग कर आ गया और मुझे जोर का धक्का मारा और बच्चे को अपने सुर में लपेट लिया। राजू, राजू क्या हुआ? मैं अब इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती, एक मिनट नहीं रह सकती। बात क्या हुई? पारो सूरज को बाहर खिला रही थी कि अचानक रामू जंजीर तोड़ाकर भागा मेरे बेटे को मारने के लिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। चलो, ये हुआ है राजू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। किसी तरह मैं वहां पहुंच गई और इसे बचा लिया, वरना आज रामू इसे कुचल डालता। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो पूछो पारो से। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है तनु। मैं मानता हूँ कि रामू ने जंजीर तोड़ी होगी, मैं ये भी मानता हूँ कि वो बच्चे के पास आया होगा, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं, उससे खेलने के लिए। तुम तो जानती हो रामू कितना प्यार करता है हमारे सूरज से। आज तो सारा खेल खत्म हो चुका था राजू। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में वो जानवर ही सब कुछ है, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं। ऐसी बातें कर रही हो तनु, ये सब तुम्हारे झूठे वहम है, झूठे शक है और कुछ नहीं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ मुझे रामू इस घर में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये मत भूलो, इसी रामू ने हमें पहली बार मिला था। आज हम जो कुछ भी हैं उसी की बदौलत है। जिस घर में हम रहते हैं, जिस मोटर में तुम घूमती हो, जो गहने तुमने पहन रखे हैं, सब उसी की वजह से है। और ना जाने कितने एहसान हैं उसके हम पर। तुम क्या चाहते हो, मैं इस जानवर के एहसानों के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाऊं? और तुम क्या चाहते हो, मैं रामू को गोली मार दूं? कुछ भी करो, लेकिन इतना सुन लो, जब तक रामू इस घर में रहेगा मैं नहीं रहूंगी, मेरा बेटा नहीं रहेगा। मालूम होता है बेटे के प्यार ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम्हारा उस जानवर के लिए प्यार अंधा भी है, बहरा भी है, पागल भी है। तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं, क्या दुश्मन हूँ मैं इसका? हाँ हाँ, तुम दुश्मन हो, दुश्मन हो, दुश्मन। राजू, ये सलूक करता हूँ मेरे बेटे के साथ, अपनी पत्नी पर हाथ फेरता हूँ, शर्म नहीं आती? हाथ तो क्या, मैं इसका खून भी कर सकता हूँ। बस करो राजू, मालूम होता जानवरों के साथ रह रहकर तुम भी जानवर बन गए। हाँ हाँ, मैं भी जानवर बन गया हूँ,
अगर आपका अपनी इंसानियत पर इतना गुमान है तो चले जाइए यहाँ से और अपनी बेटी को ले जाइए। डैडी। सुनो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी नहीं जाने दूंगा। मैंने इस आदमी के साथ अपनी बेटी ब्याही थी, इज्जत तो नहीं बेची थी। चलो बेटी। हाँ हाँ चले जाइए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। Get out! नलायक, मैंने तुझे बांध के रखा था ना, तूने चेन क्यों तोड़ी? क्यों गया था बच्चे के पास? क्यों गया था? बोल, मैं क्यों गया? बोल, क्यों गया बच्चे के पास? मैं क्यों गया बच्चे के पास? नहीं डैडी नहीं, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मुझे ले जा सकते हैं, मेरी किस्मत तो नहीं बदल सकते। बेटी, किस्मत तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो तुम्हारी मर्जी भी नहीं बदल सकता। और मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम अपना पति छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दो चार दिन के लिए मेरे साथ चली चलो। इस वक्त राजू गुस्से में है, कल उसको गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हें लेने चला आएगा। और अगर वो ना आए तो? तो बेटी मैं ही कड़वा घूंट पी लूंगा, तुम्हें यहाँ आकर छोड़ जाऊंगा। चलो बेटी चलो, चलो बेटी चलो, चलो आओ। बस हट जाओ रामू, जब तक तुम यहां मौजूद हो मेरी बेटी यहां नहीं रह सकती। मैंने तो गुस्से में आकर तुम्हें तमाचा मारा था, तुम घर छोड़ के चली गई। साहब आपका तार। तार? ओह माय गॉड, क्या हुआ डैडी? मैसूर में मेरे एक दोस्त को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ओह, आपको जाना होगा क्या? यही तो सोच रहा हूँ बेटे, आने जाने में टाइम बहुत लगेगा और फिर तुम्हें हालात में अकेले छोड़ के जाऊँ कैसे? आप मेरी फिक्र न कीजिए डैडी, जाइए और जल्दी वापस आ जाइए। अच्छा बेटे, तुम अपना बच्चे का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शंकर जी, तुम बाजार से बच्चे के लिए दूध का डब्बा ले आओ। जी अच्छा।
तू यहां भी आ गया मेरे पीछे, चला जा यहां से। मैं कहती हूं चला जा, चला जा यहां से। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। जब तक तू जिंदा है मैं उस घर में चैन से नहीं रह सकती। अच्छी बात है, नहीं जाता तो पड़ा रहेगी। Hello? Yes? You're speaking? From Mysore? Put it through, please. Hello, Daddy? अच्छा हुआ आपने फोन किया। मैं परेशान थी, आपको कहाँ फोन करूँ? क्यों, क्या बात है? आपके जाने के बाद वो हाथी यहाँ भी आ पहुँचा है और हटने का नाम नहीं लेता। ऐसा लगता है वो मेरे सूरज की जान लिए बगैर जाएगा नहीं। नौकर भी घर चला गया है डैडी, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। तुम घबराओ नहीं बेटी, मैं फौरन यहाँ से निकलता हूँ और अपने साथ अपने शिकारी दोस्त को लेकर आ रहा हूँ। हम उस कमबख्त हाथी को गोली से उड़ा देंगे। तुम जरा सूरज का ख्याल रखना। जानवर ने तो नाक में दम कर रखा है। नहीं नहीं, मैं तुझे मेरे बच्चे के पास नहीं जाने दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। चला जा यहां से। दरवाजा कैसे टूट गया? जरूर उसी हाथी की हरकत होगी। हाथी कहाँ है? आइए अंदर। हेलो, 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 आइए। हेलो, हेलो, तनु, तनु, तनु। ये सांप देखा? सांप? ये सांप कहां से आया? आयो, आयो, पेट्रोल का पास किधर रहता है? आयो, आयो, गंगू दादा, क्या जी ना पेट्रोल किधर छिड़कता है? अभी सब तेरे को पता चलेगा, हर छोटे के बारे में। आयो, हम नहीं जाने पड़ेगा। Ah!
तुम बीच में मत आओ। वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं छोड़ दो उसे। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार।
अब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। सुन ले ये मेल है अपना, बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, बस खत्म है साथी ये खेल है अपना, अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के, दिन क्या नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो, और क्या लेने आई हो? मेरा रामू, मेरा यार चला गया, मेरी प्यार की दुनिया उजड़ गई, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा न कहो राजू, ऐसा न कहो, बेटे के प्यार ने मुझे सचमुच अंधा बना दिया था। जिस रामू को मैं अपने बेटे का दुश्मन समझती थी, उसी रामू ने उसे सांप से बचाकर यह साबित कर दिया कि वो उसका दुश्मन नहीं, उसका रखवाला था। और आज उसने मेरे सुहाग को बचाकर मुझ पर ऐसा एहसान किया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब पछताने से क्या फायदा, जाने वाला तो चला गया, तुमने मेरी एक ना मानी और अपने को बेगाना बना बैठी, और तुम्हें अपना बनाने के लिए वो बेजुबान अपनी जान पर खेल गया। लेकिन राजू, बेटे की जान खतरे में देखकर हर माँ वही ना करती जो मैंने किया। डर से कांपता हुआ माँ का दिल तुम्हारी दलीलें कैसे सुनता, कैसे समझता राजू, कैसे समझता? राजू बेटे, बेटे गुनाहगार तो मैं भी हूँ तुम्हारा, बस मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है कि मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो, हमें अपनी भूल के प्रायश्चित करने का मौका दो बेटे। सोच क्या रहे हो बेटे? हाँ राजू, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए ना सही, अपने लाडली सूरज के लिए जो तुम्हें भी प्यारा है, रामू को भी प्यारा था, मुझे माफ कर दो राजू। उठो तनु,
उठो। रामू ने अपने जीते जी पहली बार हमें मिलाया था और आज अपनी जान देकर उसने फिर से एक बार हमें मिला दिया। राजू तू यारों का यार है, कितना वफादार है, झूठा है सारा जहां, सच्चा तेरा प्यार है। तू पगला न बदला, तू पगला न बदला, सारी दुनिया गई है बदल। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।